तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक अन्य माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। तो यार सब जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओए पजामे आज तो हमें वो एंडर ड्रैगन को मारने जाना था ना। हाँ यार आज तो हमें वही करना है यार, बहुत मजा आएगा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में एंडर ड्रैगन को नहीं मारा। ओए यार मारा तो मैंने भी नहीं है यार, बहुत मजा आएगा। हाँ यार उसके लिए ना हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। हमें ना यार उसके लिए बहुत सारे पोशंस बनाने पड़ेंगे। ओए पजामे पोशंस की क्या जरूरत, उस सड़े हुए एंडर ड्रैगन के लिए तो मेरा घुसांडी काफी है। अरे नहीं यार हमें कम से कम एक पोशन ऑफ स्ट्रेंथ तो बनाना ही पड़ेगा यार, उससे हमारा डैमेज ज्यादा होगा। और यार हमें एक वो भी बनाना पड़ेगा पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग, क्योंकि यार एंड में ना वो जो ड्रैगन है वो हमें बहुत बड़ी हवा में फेंक देगा। तो यार ये स्लो फॉलिंग वाला पोशन हमें नीचे गिर के मरने से बचाएगा। हाँ यार ये सब बनाना बहुत जरूरी है। अरे यार लेकिन ये सब बनाने के लिए हमें सामान क्या चाहिए होता है? अरे मैं वही इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं जल्दी से सामान इकट्ठा कर लेता हूँ फिर पोशन बनाते हैं। चलो दोस्तों हमें पिछले एपिसोड में जितनी भी ब्लेज रॉड्स मिली थी उनको ब्लेज पाउडर बना देते हैं और ना फिर से ना वो बना देते हैं आई ऑफ एंडर। दोस्तों मैंने ना यहाँ पे 15 आई ऑफ एंडर बना दिए, इतनी तो काफी होगी हमारे लिए। ओए पजामे फालतू का काम करना बंद कर, जल्दी से वो बना पोशन नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। यार हमें जल्दी से एंडर ड्रैगन को भी मारना है। हाँ यार कजामा जैक भी सही कह रहे हैं यार, जल्दी काम करा कर यार, हमें आज के एपिसोड में बहुत कुछ करना है यार, जल्दी से काम कर ले नहीं तो मैं तुझे तेरी नौकरी से निकाल दूंगा। चलो यार दोस्तों मैं तो तैयार हूँ, अब बस हमें ना एक ब्रूइंग स्टैंड चाहिए। ओए तो हमारा वो विलेजर कब काम आएगा, उसके घर में छुपके से जाते हैं और छुपके से उसका ब्रूइंग स्टैंड यूज कर लेते हैं। हाँ यार ये सही मौका, ये देखो वो तो अपने दोस्त से बात कर रहा है, चलो जल्दी से उसका ब्रूइंग स्टैंड यूज करते हैं। ओए पजामे तू पढ़ा लिखा है, जल्दी से बना जोन सा भी पोशन बनाना है तुझे। और हाँ यार जल्दी बनाइयो, अगर उस विलेजर ने हमें देख लिया ना तो यार वो हमें पुलिस में पकड़वा देगा यार, जल्दी बना पोशन। हाँ यार मुझे यहाँ पे जेल एस्केप नहीं करना, मुझे तो एंडर ड्रैगन को मारना है यार, कजामा जल्दी से पोशन बना। हाँ यार दोस्तों ये देखो यार मैंने यहाँ पे ब्लेज रॉड डाल दिया, अब यहाँ पे ना वो बन जाएगा पोशन ऑफ स्ट्रेंथ और फिर ना मैं इसमें रेडस्टोन डाल दूंगा, उससे ना फिर इसका टाइम बढ़ जाएगा। ओए बहुत बढ़िया पजामे, तेरे ट्यूशन जाने का कुछ तो फायदा हो रहा है, चलो यार जल्दी से पोशन बनवाओ। ओए और अब हमारे पास 3 पोशन ऑफ स्ट्रेंथ तो हो गया, अब बस यार हमें वो चाहिए पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग। अरे यार अब ये स्लो फॉलिंग वाला पोशन कैसे बनता है? अरे मुझे क्या पता यार, कजामा तो ट्यूशन जाता है तुझे पता होना चाहिए। हाँ यार वो वाला पोशन तो मुझे बनाना आता है यार, उसके लिए तो हमें फैंटम मेम्ब्रेन चाहिए होगा, तो यार हमें रात तक वेट करना पड़ेगा। तो यार मैं क्या कहता हूँ अभी ना गोल्डन एप्पल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास गोल्ड तो बहुत सारा ही है और थोड़े एप्पल्स भी हैं, तो चलो यार यहाँ पे गोल्डन एप्पल बना लेते हैं। अरे बहुत बढ़िया, हम जो वो ओशन मॉन्यूमेंट से जो गोल्ड लाए थे यार वो किसी काम तो आ रहा है। और हाँ यार अब हमारे पास 9 गोल्डन एप्पल हो गए, बहुत बढ़िया, ये तो हमारे एंड फाइट में काम आएंगे। अरे यार वो सब तो ठीक है यार, ये फैंटम मेम्ब्रेन कहाँ पे मिलते हैं? अरे उसके लिए तो हमें 3 रात के लिए सोना नहीं होता तब जाके वो स्पॉन होते हैं। और यहाँ पे रात तो हो रही है लेकिन हम यार लास्ट टाइम कब सोए थे? अरे यार दोस्तों चिंता मत करो यार, मैं ना पिछले 2 रातों से सोया नहीं हूँ, तो यार आज 3री रात है तो यार आज फैंटम्स आने चाहिए। अरे दोस्तों ये क्या चीज़ है? अरे बहुत बढ़िया, यहाँ पे तो सच में फैंटम आ रखे है, चलो यार जल्दी से इनको मार देते हैं। हाँ यार हमें कितनी फैंटम मेम्ब्रेन चाहिए होगी? अरे यार हमें 2 फैंटम मेम्ब्रेन काफी होगी, तो यार जल्दी से मार दो इनको। ओए ठीक है ये लो पंछो निकलो यहाँ से। ओए मैंने सबको मार दिया। अरे बहुत बढ़िया, अब तो हमारे पास टोटल 4 फैंटम मेम्ब्रेन है, इतनी तो काफी होगी, चलो यार जल्दी से चलते हैं वो विलेजर के पास। ओए दोस्तों छुपके से जाना हो यार, ध्यान रहे वो हमें देख ना ले उसका यूज करते हुए। अरे बहुत बढ़िया, ये तो अभी तक बातें कर रहे हैं। ओए इन दोनों को हो क्या गया, पिछले सुबह से लेकर अभी रात के 12 बज रहे अभी तक ये लोग बातें कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं हमारे लिए तो अच्छा है, चलो यार जल्दी से अभी इसका यूज कर लेते हैं। हाँ यार कजामा जल्दी से बना ले वो वाला पोशन। हाँ यार ठीक है चलो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। दोस्तों मैंने 3 स्लो फॉलिंग के भी पोशन बना लिए। अरे बहुत बढ़िया, अब हमारे पास सारे पोशन हो गए, अब हम जाने के लिए तैयार है। ओए हाँ यार अभी तो रात हो रही है, सो जाते हैं, सुबह उठ के चलेंगे एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। दोस्तों अब तो सुबह हो गई, अब हम जाने के लिए तैयार है। और चलो चलते हैं। अरे नहीं दोस्तों 2 मिनट रुको यार, मुझे यहाँ पे थोड़ी तैयारी करनी है। ओए पजामे पागल है क्या, इतनी देर हो गई थी, अब एंड में आ जाके जब हम जाने लगे तभी बोलता है तैयारी करनी है, तुझे कितनी तैयारी करनी होती है? ओए अरे यार बस मुझे ना यहाँ पे बस मैं सामान देख रहा हूँ कौन सा सामान लेके जाना है कौन सा नहीं। अरे दोस्तों कोई वीट तोड़ के ले आओ, हम थोड़ी ब्रेड बना लेते हैं। ओए गंजा तेरा काम आ गया, तो हमारे यहाँ का किसान है ना, तो जा जल्दी जाके वहाँ पे खेती कर। ओए पजामे 1 साल हो चुका है अभी तक तेरा काम नहीं हुआ क्या? अरे यार बस हो ही गया दोस्तों, चलो यार अब तैयारी हो गई, चलो यार जल्दी से चलते हैं। चलो यार दोस्तों फाइनली कजामा की तैयारी तो हो गई, अब हम जाने के लिए तैयार हैं। चलो यार दोस्तों अब तैयारी हो गई है ना, अब जाना कैंसिल कर देते हैं। ओए गंज पागल है क्या, आज हमें एंडर ड्रैगन को मारने जाना है, फालतू में कैंसिल करने की बातें मत बोल।
हाँ यार चलो दोस्तों देखते हैं यार ये स्ट्रॉन्ग होल्ड कौन सी डायरेक्शन में है। हाँ यार देखते हैं। अरे दोस्तों ये देखो ये तो ये वाली डायरेक्शन में। अरे यार ये तो जहाँ पे वुडलैंड मेंशन था ये तो वही वाली डायरेक्शन में। ओए वुडलैंड मेंशन के नीचे तो नहीं बना दिया इन लोगों ने स्ट्रॉन्ग होल्ड। अरे नहीं यार जैक भैया स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना भी दूर नहीं होता। चलो यार जाके देखते हैं। अरे यहाँ पे तो आगे पानी हमें बोट की जरूरत होगी कजामा। तू बोट तो लाया है ना? अरे यार मैं तो बोट लाना ही भूल गया। ओए पजामे पागल है क्या? तूने इतने साल लिए तैयारी करने में और यहाँ पे बोट ही नहीं लाया? कैसा ना लाया क्या तू? अरे दोस्तों यार हम ये देखो हमने तो आइस वाले बायोम को पार भी कर लिया और यहाँ पे तो ये जंगल वाला बायोम आ गया। हाँ यार बस जो भी हो यार वो जो स्ट्रॉन्ग वुड हो ना वो पानी के अंदर ना हो यार नहीं तो मुश्किल हो जाएगी हमें। ओए हाँ यार चलो यार देखते हैं कहाँ पे है। यार ये तो अभी भी आगे वाली डायरेक्शन में है। चलो यार जल्दी से ढूंढते हैं स्ट्रॉन्ग वुड को। ओ फेंडर हमें ये कहाँ पे जंगलों पे ले आई? मुझे लग रहा है ये हमें कहीं और ही लेके जा रही है। मुझे नहीं लग रहा है हमें स्ट्रॉन्ग वुड तक लेके जा रही है। अरे नहीं यार यहीं पे कहीं पे स्ट्रॉन्ग होल्ड होगी। चलो यार देखते हैं यार कहाँ पे यार ये स्ट्रॉन्ग होल्ड। अरे यार यहाँ पे तो रात भी हो रही है। चलो दोस्तों सो जाते हैं जिससे पहले कि हमें कोई मार दे। अरे हाँ यार चलो जल्दी से यार सो जाओ। अरे यार ये स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है यार? ये बार बार हमें पता नहीं कहाँ पे घुमाए जा रहे हैं यार। स्ट्रॉन्ग होल्ड तो देख ही नहीं रही। अरे दोस्तों ये देखो मैंने अभी एक आया फेंडर मारी वो तो ये देखो जमीन के अंदर चली गई। अरे बहुत बढ़िया यार इसका मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड हमारे जस्ट नीचे। अरे बहुत बढ़िया यार हमें तो स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गई। ओए बहुत बढ़िया चलो यार जल्दी से खोद के नीचे चलते हैं। अरे बहुत बढ़िया यार मैंने कभी अपनी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं देखा। ओए स्ट्रॉन्ग होल्ड को तो मैंने भी नहीं देखा क्योंकि ये मेरी पहली माइनक्राफ्ट की सीरीज है। चलिए यार जल्दी से नीचे चलते हैं मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। हां यार मुझे भी उस अंडर ड्रैगन को मारना है। चलो यार जल्दी से नीचे चलते हैं। ओए ये क्या यहां पे तो बेडरॉक भी आ गए। स्ट्रॉन्ग होल्ड कहां है? अरे यार हम तो पूरा खोद के नीचे आया यार यहाँ पे तो ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही नहीं। अरे यार वो पक्का साइड में कहीं पे होगी। चलो यार जल्दी से साइड में खोदते हैं। अरे एक स्ट्राइक में तो ये लावा थी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। ओए मैंने बोला ही था ये आई ऑफेंडर हमें कहीं और ही लेके जा रही है। देख ले ये कहाँ ले आई हमें यहाँ पे तो है भी नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड। अरे कोई बात नहीं यार साइड में ऐसे ही खोद के देखते क्या पता मिल जाए। हाँ यार ठीक है चलो मैं यहाँ पे खोद लेता हूँ। अरे दोस्तों ये क्या ये देखो मुझे तो यहाँ पे कुछ मिल गया। ओए बहुत बढ़िया ये तो यही है ये तो वही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अरे हाँ यार ये देखो हमें तो अचीवमेंट भी मिल गया इस पर। अरे दोस्तों पागल हो गए ये कौन सी डरावनी जगह पे ले। अरे मसाओ तू रोना बंद कर। अरे दोस्तों ये देखो यहाँ पे तो चेस्ट में आयरन भी पड़ा था। ओए हाँ यार चलो जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ना एक घर बना लेते हैं छोटा सा ताकि अगर हम मरे तो यही रिस्पॉन हो जाए। हाँ यार चलो मैं जल्दी से यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट बना लेता हूँ हमारा। चलो दोस्तों यार अब टाइम आ गया चलो अब ढूंढने चलते हैं पोर्टल को। ओए हाँ यार एंडर ड्रैगन अब तू तैयार हो जा मैं आ रहा हूँ तुझे घुसन मारने के लिए। हाँ यार मैं तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ यार अब एंडर ड्रैगन को मारने का टाइम आ गया है। तो यार गाइस अगर आपको जानना है कि इसके बाद शिनचैन और उसके दोस्तों के साथ क्या होगा तो यार जल्दी से ना आज की वीडियो को लाइक कर दो। 6000 लाइक्स पर इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो यार अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय।